दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन को मिरर कर सकते हैं अपने पीसी या लैपटॉप में। इसके लिए आपको अपने मोबाइल पे कोई भी थर्ड एप्लीकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ में आपको अपने पीसी पर भी कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह बहुत ही सिंपल और सरल है, जो कि मैं आज के इस वीडियो में आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मोबाइल के मिरर डिस्प्ले अपने पीसी या लैपटॉप में, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर एक्सोदिन, और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने सर्च बार पे जाना है। ठीक है, अपने सर्च बार पे जाके वहाँ आपको सेटिंग टाइप करना है। ठीक है, ये सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ अपने फर्स्ट पीसी के सेटिंग। ठीक है, कुछ सेटिंग करना है आपको। सेटिंग में जाने के बाद आपको मिल जाएगा वहाँ सिस्टम। ठीक है, आपको सिस्टम के अंदर जाना है। ये देखिए सिस्टम, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से नीचे की ओर आना है। नीचे आपको प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पीसी में इस तरह का इंटरफेस हो सकता है, कोई चिंता नहीं करना है। आपको ऑप्शंस पे जाना है। ऑप्शंस पे जाके यहाँ आपको ढूंढना है वायरलेस डिस्प्ले। ठीक है, जैसे ही आप वायरलेस डिस्प्ले सर्च करोगे, अगर आपका वायरलेस डिस्प्ले यहाँ नहीं है, आप सर्च करोगे नहीं मिलता है, तो कोई चिंता की बात नहीं। ऊपर देखिए आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ऐड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ सारा ऑप्शंस मिल जाएगा। तो यहाँ आप कीवर्ड देके भी सर्च कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सर्च कर लिया, तो आप इसे क्लिक करके इंस्टॉल करें। ठीक है, चलिए मैं इंस्टॉल करता हूँ वायरलेस डिस्प्ले को। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इंस्टॉल कर लिया वायरलेस डिस्प्ले। मैंने ये देखिए मैंने सर्च किया, मुझे यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप बैक जाइए। बैक जाने के बाद वहाँ आपको एक सेटिंग करना है। ये देखिए इसमें आपको अवेलेबल एवरीवन पे क्लिक करना है, और उसके ऊपर लॉन्च द कनेक्ट ऐप टू द प्रोजेक्ट द पीसी, बस यहीं क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये देखिए आपका डेस्कटॉप रेडी है बोल के सब्सक्राइब आपको इस तरह से दिखा देगा। ठीक है, तो आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे जाना है, तो एंड्रॉयड के मोबाइल से आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सर्च करना है। यहाँ अलग अलग मोबाइल के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, जैसे कि कास्ट ढूंढना है आपको, या फिर शेयर कास्टिंग, या फिर स्मार्ट व्यूअर्स, या फिर स्मार्ट शेयर, या फिर वायरलेस डिस्प्ले, डिस्प्ले मिररिंग, HTC कनेक्ट, स्क्रीन कास्टिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शंस को आपको अपने मोबाइल पे ढूंढना है। ठीक है, तो मेरा यहाँ कास्टिंग है, तो चलिए मैं कास्टिंग को ऑन करता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप कास्टिंग को ऑन करोगे, आपको वहाँ सेटिंग में जाके कुछ परमिशंस को अलाउ करना होगा। ठीक है, वो परमिशंस का अलाउ करने के बाद आपको डेस्कटॉप कनेक्ट करने की ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मेरा कनेक्ट करने का ऑप्शंस मिल चुका है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा अपने मोबाइल से, तो मुझे यहाँ से पीसी पर कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल के स्क्रीन को पीसी में या फिर मेरे लैपटॉप में कनेक्ट कर चुका हूँ। तो इस तरह से आप कनेक्ट करके अपने मिरर डिस्प्ले को देख सकते हैं अपने पीसी या लैपटॉप में। बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब्सक्राइब आई होप कि दोस्तों आपने इस वीडियो से अपने मोबाइल के डिस्प्ले को कैसे अपने पीसी या लैपटॉप में मिरर कर सकते हैं, ये नॉलेज आपने जाना इस वीडियो से। ठीक है दोस्तों,
और हाँ दोस्तों, ये देखिए लोन ज्ञान चैनल, आपको यहाँ बहुत सारे लोन संबंधित अलग अलग कंपनी के लोन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लोन की ज़रूरत हो तो इस चैनल पे विजिट करें, मैं चैनल को लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से सीधे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह के कंप्यूटर संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स नॉलेज वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, अपना और अपनों का ख्याल रखें।